सुदेव, मैं जानता हूं ना सुदेव, कि चाहे सुख हो या दुख, अपने भाग से अधिक नहीं लेना चाहिए, मगर इस भीष्म अपमान में मेरा जो भाग है ना वासुदेव, वो भी इतना भारी है कि यदि किसी पर्वत पर रख दूं तो उसकी कमर टूट जाए। और आप कहते हैं कि इतना दुखी होने का कोई कारण नहीं। कारण है वासुदेव, कारण है। पंचाली सर्वप्रथम मेरी पत्नी थी और मैं आचार्य द्रोण का शिष्य गांडीवधारी अर्जुन उस द्यूत क्रीड़ा भवन में चुपचाप सब कुछ देखता रहा, चुपचाप सब कुछ देखता रहा। इस अपमान का काटा मेरे हृदय में अटक गया है वासुदेव, जो ना मुझे सोने देता है ना जागने देता है, और बड़े भैया युद्ध की आज्ञा भी नहीं देते वासुदेव, वो प्रायश्चित कर रहे हैं। किंतु मुझे मुझे प्रतिशोध चाहिए वासुदेव, मुझे प्रतिशोध चाहिए, मुझे प्रतिशोध चाहिए उन पासों से जिनके कपट के कारण हमें यह अपमान सहन करना पड़ा। मुझे प्रतिशोध चाहिए उस जंगा से जिसे पीटकर यह कहा गया था कि द्रौपदी को वहां बिठला दिया। मुझे प्रतिशोध चाहिए उन हाथों से जो पहले द्रौपदी के केश तक और फिर उसके वस्त्रों तक पहुंच गए थे, और उस असभ्य जीव से जिसने भरी सभा में द्रौपदी को, उस दिव्य जन्मा द्रौपदी को वैश्य कहा था वासुदेव, वैश्य कहा था। ये जो प्रतिशोध की अग्नि मेरे सीने में है ना वासुदेव, इस अग्नि का मैं क्या करूं, इस अग्नि का मैं क्या करूं वासुदेव, इस अग्नि का मैं क्या करूं वासुदेव। आप भी ये कह रहे हैं कि हम प्रायश्चित करें, इस अपमान के विष को पीते रहें। कोई तो सीमा होगी वासुदेव, कोई तो सीमा होगी जिसके आगे हमें यह विष नहीं पीना पड़ेगा। मैंने उस सूत पुत्र कर्ण को मृत्यु दंड देने की प्रतिज्ञा ली है। मजरे भैया ने दुर्योधन की जंगा तोड़ने और उस दुष्ट दुशासन की छाती के लहू से पंचाली के कुले में केस होने की प्रतिज्ञा ली है वासुदेव। हमारी इन प्रतिज्ञाओं का क्या होगा वासुदेव, क्या समय, क्या भारत का यह इतिहास हमें प्रतिज्ञा न पूरी करने वाले कायरों की भीड़ में खड़ा करने वाला है वासुदेव? बोलिए बोलिए वासुदेव। आपने सही कहा वासुदेव, आपने एकदम सही कहा, हमें तैयारी करनी चाहिए। मैं आज से ही घोर तपस्या करूंगा और ब्रह्मांड के सारे दिव्य अस्त्र इकट्ठा करूंगा, और महादेव की सौगंध वासुदेव जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी, और वो अग्नि कुरु सेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु वासुदेव, जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है।